लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक किया गया पेश। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 होगी। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होगा लागू। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर हंगामा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, दलित और पिछड़ी महिलाओं को नहीं मिलता मौका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के राष्ट्रपति कौन है, वे ट्राइबल समाज से ही आती हैं। पंजाब के मुत्तसर में प्राइवेट बस नहर में गिरी, 8 लोगों की मौत, 10 घायल बाहर निकाले। कई लोगों के बह जाने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंदौर में 22 सितंबर को नहीं चलेगी कारें, 22 सितंबर को इंदौर में नो कार डे है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, ये एक प्रयोग है, उस दिन मैं भी साइकिल चलाऊंगा। बैतूल कलेक्टर अमनदेव सिंह बैस के ट्विटर हैंडल से सरकार विरोधी पोस्ट रीट्वीट, लिखा, जनता भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। हैंडलर को किया गया बर्खास्त, मामले की जांच करेगा साइबर सेल।